हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र शर्मा इज हियर विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में किडबैक का बेसिक बताऊंगा। किडबैक पे पंच मारने का सही तरीका क्या है, हम किडबैक पे कैसे अटैक करें, अपना बेसिक कैसे सही करें किडबैक के थ्रू, तो वो बताऊंगा मैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखें, जब भी आप किडबैक करें ग्लव्स पहनें, ग्लव्स के अंदर बैंडेज जरूर रैप करें जिससे आपके इंजरी ना हो और जो हैंड पेन होता है रिस्ट वाला पेन वो ना हो बाद में, तो बैंडेज को अवॉइड ना करें। देन हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किडबैक करें, जो हमारा बेसिक होता है 1-2 वाला शैडो का, उस बेसिक को किडबैक पे सही करें। ये नहीं हम जाते ऐसे कंटिन्यू अटैक करना चालू कर दें, ये बाद की ड्रिल्स हैं, इनको हम बाद में करेंगे। पहले इस पर अपना बेसिक सही होना चाहिए, जब भी हम इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो जब भी आप अटैक करें किडबैक पे, तो अपना बेसिक सही करते हुए चलें ऐसे। पूरा अपना पंच की रेंज खोलें, कमर रोटेट करें, साथ में अपना लेग मूवमेंट चलाएं ऐसे। पहले लेफ्ट लेफ्ट करें, फिर देन राइट को साइड करें ऐसे करते करते। ऐसे जब आपके दोनों पंच सेट हो जाएं, लेफ्ट राइट, आपको लग रहा है कि मेरा मूवमेंट सही चल रहा है, मैं सिंगल पंच अच्छे से मार रहा हूँ, फिर आप अपने दोनों पंच को अटैक मिलें। और फिर आपके जब ये दोनों पंच सेट हो जाए, आपको लगे आपका बेसिक सही हो गया, फिर आप इसमें स्पीड डालें और पावर डालें। जितनी आप पावर स्पीड से अटैक करेंगे, उतना ही आपका मूवमेंट और अच्छा क्लियर होगा। पर एक चीज़ का हरदम ध्यान रखें, जब भी आप अटैक करें तो किडबैक ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए। ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा है ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो समझ जाना हम गलत कर रहे हैं। कैसे, हमें इस पर इतनी, अब मैं ऐसे मार रहा हूँ तो ज़्यादा हिल रहा है ये, अब मैं इस पर ऐसे मारूंगा तो नहीं हिलेगा। तो हमको किडबैक पे धक्का नहीं देना, ये हमारा पंच मार के वहाँ रोकना नहीं है। यहाँ से अटैक करा, तुरंत गार्ड पे अटैक किया, गार्ड अटैक किया, गार्ड, ये इस पर फोकस करें, अच्छे से अपने मूवमेंट को क्लियर करें, क्योंकि बेसिक ही हर चीज़ का मेन होता है। जितना हमारा बेसिक सही होगा, उतनी ही हम एडवांस ड्रिल्स अच्छे से कर पाएंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आगे की वीडियोस में मैं ये बताऊंगा हम किडबैक के थ्रू अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपना स्टेमिना, अपनी एंडोरेंस, जो हम 3 राउंड नहीं खेल पाते उसको कैसे हम पूरा किडबैक के थ्रू स्टेमिना बढ़ा पाएँ, जो हम 3 राउंड खेल पाएँ। तो ये सब चीज़ बताऊँगा। आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर कीप सपोर्टिंग।